हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चमन का किचन। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसका नाम है बथुए के पराठे। ये हमारी विंटर स्पेशल यानी सर्दियों की रेसिपी है। हाँ जी, ये जो बथुआ है ये सर्दी के मौसम में ही मिलता है, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, बहुत ही देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ को नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसके बेनिफिट भी काफ़ी हैं और इस सीज़न में काफ़ी हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं जो कि किसी न किसी तरह में खाई जाएं तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसके लिए मैंने लिया है बथुआ। ये मैंने आधा किलो बथुआ लिया है, इसकी पत्तियां मैंने ले ली हैं। इस रेसिपी में इसकी डंडियां यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ पत्तियाँ यूज़ होंगी। तो मैंने जो डंडियों से पत्तियाँ अलग कर ली हैं और धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको बहुत अच्छे से धोना है, 3-4 पानी से इसको धोना है। तो मैंने धो लिया है और एक चलनी में रख लिया है। अब मैं इसको उबाल लूँगी और इसके बाद में दिखाते हैं कि आगे हमें क्या क्या प्रोसेस करना है और हमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। तो मैं बताती भी जाऊँगी और दिखाती भी जाऊँगी। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है और ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें जो मैंने बथुआ धो लिया है अच्छे से उसको मैं डाल दूँगी और इसको मुझे 5 से 7 मिनट के लिए उबालना है। ज़्यादा नहीं उबालना है, हमें सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है बस। तो जब तक ये बथुआ उबल रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने आलू लिए हैं उबले हुए। मैं बथुए के पराठे में उबले हुए आलू भी यूज़ करूँगी। तो मैंने 4 से 5 ये आलू लिए हैं, इसको मैंने उबाल के और छील लिया है, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी, यानी जो बथुआ के पराठे हैं उसमें स्टफिंग मैं आलू की करूँगी। तो मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। देखिए, जो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप वैसे भी फोड़ सकते हैं लेकिन आलू ठंडे हो चुके थे तो मैंने सोचा कद्दूकस कर लूँ जिससे कि कोई गांठ ना रहे। तो इसके लिए मैंने कुछ मसाले भी लिए हैं। तो जो मैं आलू की स्टफिंग में मसाले भरूंगी वो मेरे हैं, ये मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है 1/2 चम्मच, और ये मैंने 3-4 मैंने हरी मिर्च बारीक बारीक काट ली हैं। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ये मैंने काली मिर्च कुटी हुई ली है, ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, ये मैंने नमक लिया है आलू के हिसाब से, और ये मैंने चाट मसाला लिया है, और ये 1/2 चम्मच लिया है मैंने सौंफ का पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सब हम आलू में मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी एक स्टफिंग तैयार करेंगे। हमें जो आलू का की स्टफिंग तैयार करनी है उसको हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे जो वो बनेगा बथुए के लिए जो पराठे का आटा तैयार करेंगे बथुए के पराठे का, उसकी स्टफिंग में भी हमें थोड़े से मिर्च मसाले यानी कि थोड़े स्पाइसेस मिलाने हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये जो आलू की स्टफिंग है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो बथुआ है वो भी हमारा उबल चुका होगा तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो बथुआ है हमारा उबल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे और ये जो हमने ये लिया है बथुए का पानी यानी कि जो उबाला है हमने उसका पानी है। आपको एक ब्यूटी टिप्स दूंगी मैं, इस पानी से अगर आप हाथ धोएंगे तो आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस पानी को आप या तो किसी चीज़ में यूज़ कर लें, यूँ ही ना फेंकें, आप इसको आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पानी को ना फेंक के यूज़ किया जाए तो इसके बेनिफिट काफ़ी हैं। तो इसको हम साइड कर देते हैं अभी, और ये जो बथुआ है इसको हम पीस लेंगे। इसके साथ में हमने ये 4 हरी मिर्च ली हैं, इसके साथ में ये पीस लेंगे। हरी मिर्च डाल के पेस्ट बना लेते हैं एक। तो देख सकते हैं, ये बथुए को मैंने इस तरह से निचोड़ के पानी सारा ड्राई कर लिया है इसका, ये देखिए सूखा सूखा हो गया। तो इसको हम पीस लेंगे, इसका पानी निकाल के ही हमें पीसना है। तो देखिए, ये जो बथुआ हमने उबाला था ये हमने पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ ड्राई ड्राई सा पीसा है, और ये कुछ मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं। तो ये मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच से थोड़ी कम लाल मिर्च का पाउडर है, ये धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच कुटी हुई मिर्च है लाल, और 1/2 चम्मच मैंने ली है अजवाइन, टेस्ट के मुताबिक नमक यानी जितना हमारा आटे में जाएगा हमने इतना नमक लिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और ये मैंने ली है काली मिर्च कुटी हुई, ये मैंने लिया है अमचूर पाउडर, और ये मैंने कद्दूकस कर लिया है थोड़ा सा अदरक, और ये मैंने लिया है आटा गेहूं का। आप इसमें आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आटा लिया है। तो इसको हम एक साथ
मिक्स कर लेंगे सब चीज़ डाल के, और एक सॉफ्ट इसका आटा तैयार कर लेंगे। आटे को हम, ये जो हमारे पास इसका पानी है बथुए का उबला हुआ, इसके साथ में तैयार करेंगे, क्योंकि इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हम आटा तैयार करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब जो हमने बथुआ पीसा है इसको मिक्स कर लेंगे। इससे इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, यानी आलू के साथ में बथुआ भी मिक्स हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा हमने बथुआ मिक्स किया है। देखिए, ये जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसमें हमने जो बथुआ है थोड़ा सा पिसा हुआ मिक्स कर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो अब हम जो आटा है हमारा वो तैयार कर लेते हैं। ये जो सारे स्पाइसेस हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो बथुआ है हम इसको भी इसमें डाल देंगे, और पानी डाल के बहुत अच्छा सा आटा तैयार करेंगे सॉफ्ट। तो देखिए, ये आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है, एकदम सॉफ्ट आटा हमने तैयार किया है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, और बाकी तैयारी हम करते हैं। तो इसको हम ढक के रख देते हैं अभी, इसके बाद हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ तवा भी रख दिया है, अब हम इसको पराठा बनाना शुरू करते हैं। तवा गर्म हो चुका है हमारा। देखिए, ये हमने इतना पोर्शन आटे का ले लिया है, हमने इस तरह से लोई बना ली है। इसको हम सूखे आटे में डस्ट करेंगे, और हम हल्का हल्का सा इसको बेल लेंगे। जो इसकी साइड है उसको हम पतला रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी पे हम स्टफिंग तैयार भरेंगे। हमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है, हम एक एक चम्मच भरेंगे। देखिए, बहुत टेस्टी होती हैं, आप ज़रूर एक बार बनाएं। सिर्फ एक चम्मच भरनी है, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से, और इसकी जो पोर्शन है इसको बंद कर लेंगे। देखिए, और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम ऐसे फिर इसको सूखे आटे में हम डस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा साइड हम, तो हमने ये देखिए इस तरह से तैयार कर ली है। फिर से डस्ट करेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। तो हम इसको बेल लेते हैं बहुत हल्के हाथ से, पलट पलट करके इसको बेल लेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टफ पराठे हैं, इसलिए थोड़ा संभाल के हमें इसको बेलना है। देखिए, हल्के हल्के आलू नज़र आएंगे, तो हम इस पर डस्ट कर लेंगे सूखा आटा। बस इसको हम तवे पर डालेंगे। तो देख सकते हैं, इसको हम बहुत आराम से इस तरह से अब हम तवे पर डाल देंगे इसको। ये देखिए, ये देखिए सिक रहा है। इसको आप देसी घी से या ऑयल से, किसी भी चीज़ से जिसको आप, जिससे आपको पसंद हो उससे आप इसको सेक सकते हैं। तो अब हम दूसरा पराठा भी देखिए तैयार कर लेते हैं। सेम उसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार कर लेना, जब तक कि वो सिक रहा है। इसमें स्टफिंग भरेंगे 1 चम्मच, ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरते इसमें, क्योंकि जो हमारा आटा है वो भी काफ़ी स्पाइसी है, हमने काफ़ी मसाले मिक्स किए हैं आटे में। नमक और मिर्च का बैलेंस रखना है, क्योंकि जो स्टफिंग है उसमें भी है। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। तो इसको हम पलट लेंगे और इसको भी हम ऐसे तैयार कर लेते हैं। इसको भी हम पहले की तरह बेलेंगे बहुत हल्के हाथ से। जो हमने बथुआ मिक्स किया है आलू की स्टफिंग में, बहुत ही ज़्यादा उससे टेस्टी बनते हैं। जो भी आपको लगे कि मॉइस्चर है और आलू निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आप डस्ट कर लें सूखे आटे से। ये भी तैयार है। ये जो पराठा है इसको इस तरह से पलट के इस पर हम जो हमारे पास ऑयल है वो लगा देंगे बहुत अच्छे से। ऑयल लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। इसको ऐसे पलट देंगे
दूसरी साइड से भी हमें ऑयल लगाना बहुत अच्छे से। तो इसको सिकने देंगे हम हल्की आंच पे। तो देखिए एक साइड से सिक रहा है, दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक रहा है। इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे, दबा दबा के सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी पलट के और इस तरह से दबा देंगे। काफ़ी अच्छे से सिक चुका है ये, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी होके सिक चुका है। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए इसी तरह से हम दूसरा पराठा जो है वो सेक देंगे। देखिए हमने डाल दिया है, इसको भी सेक लेंगे। इसको भी अलट पलट के हम ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हमें इसको अच्छे से ऑयल लगा लेना है। इसको धीमी धीमी आंच पे सेक लेना है दोनों साइड से। देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इसको हल्का हल्का हमें प्रेस करना है। तो सर्दी के मौसम को एंजॉय करें और तरह तरह की डिशेस बना के खाएं। तो ये भी सिक गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बथुआ और आलू के स्टफ पराठे बन के बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको एंजॉय करें बना के। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आपको जल्दी मिल सके। ओके, थैंक यू।